नमस्कार। पिछले वर्ष के अंतिम दिन के क्लास के बाद मेरे पास अनेक साथियों के फोन कॉल्स आए और कई साथियों ने इस बात पर जानने की इच्छा व्यक्त की कि मैं रमाशंकर जी के संपर्क में कैसे आया, वो कहानी क्या थी, वो समय क्या था, वो प्रसंग क्या था जिससे मैं डॉक्टर रमाशंकर से जुड़ा। हमारे कई साथियों ने हमारे भी व्यक्तिगत जीवन में झांकने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि कुछ आप अपने निजी जीवन के बारे में भी, अपने बायोग्राफी के बारे में, अपने जीवन शैली के बारे में भी कुछ हम लोगों को चर्चा में लाएं। तो आज अपने उन तमाम बुजुर्ग साथियों को जो मुझसे उम्र में एक सेकंड भी बड़े हैं, मैं उन सबको पर अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ और मैं उनसे अपने आगामी जीवन के लिए, अपने आगामी भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं चाहता हूँ। और जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं अपने प्रेम के साथ अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप मेरी प्रेरणा से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्णधार बनेंगे। हम लोगों का समय यहीं तक है, हम आपको बताते हुए चलाते हुए यहां तक लाए हैं, आगे भी अभी कुछ आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को संभालने की जिम्मेदारी आप सब नव युवकों पर है, उनके कंधों पर हम लोग ये भार छोड़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अपने संक्षिप्त निजी जीवन की। आप सब ने चूंकि जानने की इच्छा की है और मैं आपकी इच्छाओं पर ही अपने इस क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं, इस नाते आपकी इच्छाओं का हनन नहीं करूंगा, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। 26 जनवरी 1964 को मैंने अपनी माँ के कोख से एक गांव के, छोटे से गांव के जमींदार परिवार में जन्म लिया था। जमींदारी सिर्फ कहने को रुक थी, आजाद भारत के बाद जमींदारी का कोई मतलब नहीं था, सभी किसान थे और मेरा परिवार भी एक खेती किसानी वाला परिवार था। हमारे पिताजी उस समय बांदा डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करते थे और कक्षा 1 से कक्षा 2 तक मैंने अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला से ही, अपनी मातृभूमि पर ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की थी। फिर कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक मैंने अपने पिता के साथ बांदा के प्राइमरी पाठशाला में और फिर बाद में राजकीय इंटर कॉलेज बांदा में मैंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की। कक्षा 5 मैंने प्राइमरी पाठशाला से उत्तीर्ण किया था। उसके बाद मेरा एडमिशन टेस्ट GIC में हुआ और मैं उस टेस्ट में प्रथम रहा और मुझे कई तरह के इनाम भी मिले। जो सरकार की उस समय वजीफा की स्कीम थी, मैं उसका भी लाभार्थी रहा, क्योंकि मैं मेधावी छात्र में गिना जाने लगा था और स्काउट और गाइड स्काउटिंग में भी मेरी रुचि थी, खेल में भी मैं रुचि करता था, संगीत और नाटक में भी बचपन से मेरी रुचि थी, इसलिए मैं कल्चर प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ता चला गया। फिर वर्ष 1978 में मेरे पिताजी का ट्रांसफर कानपुर हो गया। स्वास्थ्य निदेशालय ESI का, उत्तर प्रदेश का निदेशालय कानपुर में है, वो वहाँ पर आ गए तो मेरी शिक्षा फिर कक्षा 9 से लेकर के MSc और तक कानपुर में ही संपन्न हुई। वर्ष 1980 में मैंने हाई स्कूल पास किया प्रथम श्रेणी में 70% से अधिक अंकों से। 1982 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया BNST इंटर कॉलेज, जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी और अनेक देश के महान लोग वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए, बहुत से वैज्ञानिक वहाँ बने और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मेरा, चूँकि हाई स्कूल में मेरा अंक बहुत अच्छा था, इस नाते बिना किसी शोर सिफारिश के मेरा एडमिशन उस कॉलेज ने स्वतः ले लिया। BSc मैंने PPN डिग्री कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पास किया और फिर मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ही MSc 1986 में पास किया। PhD के लिए मैंने अप्लाई किया, एक वर्ष मैंने उसमें बिताया भी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि PhD मैंने पूरी नहीं की। MSc के जूलॉजी और बॉटनी दोनों विभागों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मन में चूंकि अपने शरीर के प्रति जिज्ञासा ज्यादा थी, जानने की, अपने शरीर की क्रियात्मक भावनाओं को, अपने शरीर की क्रिया विज्ञान को जानने की इच्छा थी और डॉक्टर बनने की इच्छा शुरू से मन में थी, लेकिन नहीं पूरी हो पाई, CPMT में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा एक बार होम्योपैथी के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन चूंकि मन में डॉक्टर बनने की कल्पना सिर्फ एलोपैथी की ही दिखाई पड़ती थी उस समय, इस नाते मैंने होम्योपैथी में ज्वाइन नहीं किया था। फिर मैंने 1988 में मेरी लव मैरिज शादी हुई, मैं एक परिवार से जुड़ा, दो परिवार को एक में मिलाया और फिर 1988 से मैं अपने पारिवारिक बंधन में बंधा। मेरी 3 संतानें हुई, मेरी पहली संतान मेरी लड़की थी, जिसकी लड़की यानी मेरी नातिन के तमाम पोज आप मेरे साथ देखते हैं, सबसे चुलबुली मेरी नातिन है
और बिल्कुल मेरी लड़की की हरकतों पे गई है। मेरी लड़की जैसे बचपन में जितनी हरकतें करती थी, वही हरकतें मेरी नातिन के रूप में भी आप देखते हैं। और यहाँ तक कि जब वो 2 साल की थी, तो आपने देखा है कि जब मैं आपकी किताबों को, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोमोबाइलजी को पैक करता था, तो देखती थी कि उसका नाना थक रहा है, तो मेरे सर की मालिश और मेरे सर में कंघी भी करती थी। ऐसे तमाम वीडियो और तमाम फोटोज़ मैंने आप सबको शेयर भी किया था। मेरी लड़की इस समय 28 वर्ष की है और मेरा बड़ा लड़का 26 वर्ष का असिस्टेंट CA है और दूसरा लड़का 25 वर्ष का संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। और ये जो भी लाइव प्रसारण आप मेरा देखते हैं या यूट्यूब चैनल पे जो आपके कार्यक्रम देखते हैं, वो सब उसी के द्वारा आप तक प्रेषित किया जाता है। इस समय वो भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूजिक की डिग्री ले रहा है और संगीत में उसकी रुचि ज़्यादा है। 1995 में मैंने, चूँकि मैं 1990 में ही सर्विस में आ गया था, मैं जूलॉजी का लेक्चरर बनकर के बस्ती के कॉलेज में ज्वाइन कर चुका था और 1990 से लेकर के 2008 तक मैं एज ए बायोलॉजी लेक्चरर रहा। और 2008 से आज तक यानी अभी तक मैं एक दूसरे कॉलेज में फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, विभागीय ट्रांसफ़र, और मैं प्रधानाचार्य के पद पर आज भी कार्यरत हूँ। 1995 में मैंने इसी बीच, क्योंकि प्रिंसिपल बनने की लालसा भी थी, जब मैं लेक्चरर बन गया था तो प्रिंसिपल बनने की योग्यता के लिए बीएड आवश्यक था, तो मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो फिर ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से मैंने बीएड की डिग्री 1995 में प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी में प्रवेश की बात है, आप सब ने जानना चाहा है, तो संक्षिप्त सी कहानी आपको इसकी भी बता दूँ। वर्ष था 1982 का, मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला था और मैं कानपुर गीतानगर में एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। अक्सर मैं अपने बालकनी में बैठ करके धूप सेंकता था या किताबें पढ़ता था और मेरे घर के ठीक सामने एक और मकान था जिसका एक छोटा सा कमरा लगभग 8x8 का था, जिसको डॉक्टर वी कुमार यानी डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला जी ने किराए पर ले रखा था। हालांकि उनका अपना मकान कानपुर में ईदगाह कॉलोनी के पास था, लेकिन वो यहाँ किराए पर लेकर के अपना लेखन कार्य, शोधन कार्य करते थे। मैं अक्सर अपनी बालकनी से ये देखा करता था कि ये व्यक्ति दोपहर में आकर के ताला खुलता है इस कमरे का और शाम तक 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक इसमें खुला रहता है और शाम को फिर ताला बंद हो जाता है। एक दिन उत्सुकतावश मैं टहलते हुए उनके पास तक पहुंच गया। तब मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी का नाम भी नहीं जानता था, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में ABCD भी नहीं जानता था। बस यूं ही मुलाकात उनसे हुई और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में मेरी जो जागरूकता थी वो बढ़ती चली गई, मेरा उत्साह बढ़ता चला गया और मुझे लगा कि ये एक विज्ञान है। फिर उसी दौरान, चूंकि मैंने BSc में एडमिशन ले लिया था और एक आध घंटे का समय मैं डॉक्टर वी कुमार जी के साथ देता था, फिर उन्हीं की सलाह पर 1983 में मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी में पार्ट टाइम एडमिशन लिया और 1983 में एक वर्षीय, उस समय ये डिप्लोमा चलता था, मैंने एक वर्षीय डिप्लोमा BMS का लिया। हमारा और डॉक्टर वी कुमार जी का साथ यूं ही आगे सफर बढ़ता रहा। मेरी वैज्ञानिक सोच और मेरी उत्सुकता, मेरे कार्य करने की शैली में कुछ उन्होंने खास देखा और मुझे अपने साथ जोड़ करके अपना असिस्टेंट बना लिया। 1984 में डॉक्टर वी कुमार जी ने कानपुर के शारदा नगर में अपना एक अलीशान ऑफिस मेंटेन किया और मुझे अपना CEO बना करके वहां पर बैठाया। उसी दौरान डॉक्टर वी कुमार जी के मिलने जुलने वाले तमाम लोग वहां आते थे और वहां का जो मेंटेनेंस मैंने कर रखा था, उनके ऑफिस का डेकोरम जो कर रखा था, उस सब को देख के इलेक्ट्रोहोमोपैथी के जो अन्य साथी या उनके अन्य जो मित्र आते थे, वो डॉक्टर वी कुमार जी से थोड़ी सी ईर्ष्या भाव भी करने लगे थे। चूंकि मैं शुरू से बचपन से मुझे अपने ऑफिस को मेंटेन करने में या अपने मैं जहां बैठता था वहां के आसपास की चीज़ों को मेंटेन करके रखने के लिए एक मेरी खास आदत थी। घर को रखना तो घर को साफ सुथरा रखना, कैसे मेंटेन करना, मेरी अपनी बचपन की एक मनोवृत्ति थी। और वही मैंने वहां के शारदा नगर ऑफिस को, मैंने फिर डॉक्टर वी कुमार जी को एज ए मेन चीफ ऑफिसर की तरह मैंने इनको मेंटेन कराया और मैं इनका CEO बन करके बाहर एक, या ये कह लें कि एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मैं डॉक्टर वी कुमार के साथ जुड़ा। फिर शुरुआत हुई इलेक्ट्रोहोमोपैथी के तमाम कॉलेजों के दौरे करने की। तमाम शहरों का मैंने दौरा किया, तमाम कॉलेजों का मैंने वाइवा लिया बच्चों का, और ये कहानी यूं ही चलती रही। कुछ भ्रमित सी बातें दिमाग में डॉक्टर वी कुमार जी के उनके कुछ मित्रों ने मेरे बारे में बैठा दिया। कुछ लोगों ने इनके दिमाग में ये भर दिया कि अगर कुछ दिन आपने अनिल को अपने साथ रखा तो अनिल को लोग ज़्यादा जानने लगेंगे, वी कुमार जी को कम जानने लगेंगे। शायद मुझे आज ये कहते हुए बिल्कुल
संकोच नहीं हो रहा है कि आज मैं अपने मन की व्यथा, चूंकि आपने कहा आत्मकथा कहिए तो मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, और अगर डॉक्टर वी कुमार जी इस समय लाइन पर होंगे या उनके परिवार के लोग लाइन पे होंगे तो आज मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। डॉक्टर वी कुमार जी के मन में मेरे प्रति प्रेम भावना तो बहुत ज्यादा है, आज भी है। वो मेरे प्रति खुल करके कभी किसी के सामने कभी मेरी कोई बुराई नहीं सुनते हैं, ना मेरी बुराई करते हैं, और मैं उनको अपने बड़े भाई का सम्मान भी देता हूं आज भी, क्योंकि मैंने उनको सदैव अपने बड़े भाई का सम्मान दिया है और देता रहूंगा जब तक मेरी सांस है। चूंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संदर्भ में नहीं, मैं उनसे पारिवारिक रूप से जुड़ गया, उनके परिवार से, उनके बच्चों से, उनके भाइयों से, उनके माता पिता से, और वो भी मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य एकदम पारिवारिक रिश्ते के साथ जुड़े, इस नाते आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। लेकिन उस समय डॉक्टर वी कुमार जी को मन में ये शंका हुई कि शायद लोग सही कह रहे हैं, अनिल को ज़्यादा दिन यहाँ पर साथ रखने से हो सकता है अनिल की लोकप्रियता बढ़ जाए और अनिल का दिमाग कुछ तेज चलता है। तो मुझको उन्होंने अपने साथ से काटने के लिए, हटाने के लिए, जैसे ही मैंने एमडी किया और एमडीएच का रिजल्ट आया, तो चूंकि इंटर्नशिप करना था, इंटर्नशिप का एक बहाना था और उनको बहाना मिला मुझे अलग करने का। बस उसी समय डॉक्टर रमाशंकर जी की क्लिनिक आईआईटी कानपुर के गेट पर खुल चुकी थी, लोग उनको जानने लगे थे, और डॉक्टर वी कुमार जी भी रमाशंकर जी को टच करना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे कि ये कितने पानी में है। तो स्वयं चूंकि वहां ना जा करके उन्होंने मेरा उपयोग किया, मुझे अपना एज रिप्रेजेंटेटिव बना करके एज इंटर्नी इंटर्नशिप करने के नाम पर मुझे वहां अटैच कर दिया, और वहीं से हम डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ जुड़े और वी कुमार जी से हमारी दूरियां थोड़ी सी कम बढ़ गई। हमारे साथ डॉक्टर सरिता सिंह थी, डॉक्टर अशोक शुक्ला, डॉक्टर वी कुमार जी के छोटे भाई, हम तीन लोग वहां जाना शुरू किए, और आगे जो कुछ हुआ डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ वो मैंने आपको बयां अपने पिछले पोस्ट में कर रखा है। यानी डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ जुड़ने की कहानी भी हमारे और वी कुमार जी के बीच आने वाली क्षणिक दरारों की एक कहानी थी। उनके एक साथी हुआ करते थे डॉक्टर के शर्मा, आर नगर कानपुर में, वो ज्योतिष शास्त्र के अपने आप को ज्ञाता कहते थे, और डॉक्टर वी कुमार जी उनके सलाह पर बहुत ज़्यादा टिकते थे। एक दिन वो मेरे सामने बैठे आकर के और कुछ दो चार दस सवाल उन्होंने किया, और मैं हमारे उनके बीच सवाल जवाब होता रहा, और उन्हीं के कहने पर डॉक्टर वी कुमार जी ने एक झटके से मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ अटैच करने का निर्णय लिया, यानी अपने से दूर हटाना। फिर उसके बाद मैं लौट करके शारदा नगर ऑफिस में नहीं आया। डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ रखने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना समय शारदा नगर ऑफिस में एक अधिकारी के रूप में बिता करके बहुत गलत काम किया, मुझे तो एक चिकित्सक होना चाहिए था। और रमाशंकर जी ने मेरे चिकित्सक होने की प्रतिभा को आंका और मुझसे कहा कि तुम अपनी क्लिनिक को तत्काल खोल लो। और फिर वही समय था जब मैंने अपने क्लिनिक का उद्घाटन कानपुर में मात्र 200 रुपए के एक क्लिनिक किराए पर लेकर के आरंभ किया। डॉक्टर रमाशंकर जी को बाहर आने जाने की बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभार मेरे आमंत्रण पर, मेरे अनुरोध पर वो मेरे घर आया करते थे, और मेरी माता जी के हाथ से उड़द की दाल उनको बड़ी पसंद थी, उसको खाया करते थे, कहते थे जब मैं तुम्हारे घर आऊँ तो फिर उड़द की दाल ही बननी चाहिए। डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ जुड़ने की कहानी ये थी। आप सब ने चूंकि ये जानना चाहा था कि ये कहानी कैसे जुड़ी और कैसे हम डॉक्टर रमाशंकर के साथ आए, और संयोग ये था कि उस समय बीएससी के बाद मैं एमएससी में प्रवेश ले चुका था, एमएससी का रिजल्ट आने वाला था, वर्ष था 1985-86 के बीच का, और रमाशंकर जी ने मेरे अंदर एक प्रतिभा देखी होगी, कुछ समझा होगा, और मुझे अपने हस्तलिखित सारे लिटरेचर को हमको सौंपते हुए उन्होंने अपने हाथ से लिख करके, हस्ताक्षर करके मुझे अपनी वो पांडुलिपि की वसीयत सौंप दी, जो मैंने आप सबको दिखाया भी था। आप सब चूंकि इस समय तो मैं उसको लेकर के नहीं बैठा हूँ, मैंने एक बार एपिसोड में मैंने आप सबको दिखाया था कि उनकी लिखित हैंडराइटिंग की, उनके लिखित हस्ताक्षर की, और उसमें उन्होंने लिखा था कि इस इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रगति और प्रचार प्रसार के लिए मैं इसको प्रकाशन करने के लिए संपूर्ण अधिकार डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को देता हूँ, और इसका अधिकार अन्य किसी को नहीं होगा। यही पत्र जब मैंने कई एक बार दिखाया था तो उस पर लोगों ने कमेंट किया कि डॉक्टर रमाशंकर जी के तमाम सहकर्मी और उनके साथ रहने वाले लोगों ने कहा कि रमाशंकर जी ने कभी चर्चा नहीं की कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति उनके साथ रहा करता था। तो मुझे अजीब सा लगा कि डॉक्टर रमाशंकर जी क्या सबसे अपनी बातों को शेयर करते चलते तब लोगों को विश्वास होता, लेकिन जब मैंने कुछ अपनी फोटोएं शेयर की अपने और रमाशंकर जी के साथ की और कुछ पत्र शेयर किए, जब मैं सर्विस में चला आया बस्ती तो डॉक्टर रमाशंकर जी का पत्र प्रति सप्ताह मुझे एक मिलता था, और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रति जब वो जानते थे कि ये अपने सर्विस के बाद भी प्रैक्टिस करना बंद नहीं किए हैं तो उनको अपार खुशी होती थी। और आज भी मैं समझता हूँ डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा जहाँ है, मेरे गुरु के रूप में, मेरे आदरणीय के रूप में, वो मुझसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने उनकी एक जो मुहिम थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आगे बढ़ाने की, वो मैंने अपने द्वारा आप सब तक पहुँचा दिया है। और आप सब अगर मेरे, मैं ये मान के चलूँ कि डॉक्टर रमाशंकर जी ने मुझे एकमात्र अपना शिष्य इस लायक समझा,
कि मैं इस ज्योत को आगे जलाऊं, तो मैंने अपने पूरे देश में आप सबको ये दीपक थमा दिया है जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की ज्योत जला रहा है, और आप सब इस पे तेल डालते रहेंगे तो ये दीपक जलता रहेगा। क्योंकि एकला चलने से तो मैं बेहतर है कि आप सबको साथ लेके चलूं और ये एक से एक मिल करके कारवा बनता चला जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये बहुत मशहूर गीत है। और इस गीत के प्रेरणा से हम आप सबको इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जुड़े हैं। अब आइए, जब चर्चा हुई है डॉक्टर रमाशंकर जी की, तो मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के शब्दों में कुछ बातें पढ़ रहा हूं, मूल मूल उसको आप सुन लें। डॉक्टर रमाशंकर जी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि एलोपैथी विश्व की सबसे अधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। भारतवर्ष में एलोपैथी के साथ साथ कुछ दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को भी सरकारी मान्यता मिली हुई है, परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य का बजट 90% एलोपैथी के विकास पर खर्च किया जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि एलोपैथी से मेरा पुराना घनिष्ठ संबंध था। वर्ष 1968 में मेरा इलेक्ट्रोहोमोपैथी से परिचय हुआ। यानी रमाशंकर जी ने इलेक्ट्रोहोमोपैथी को 1968 में जाना। उन्होंने लिखा कि मैं 34 वर्ष तक एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा, जिससे मुझे एलोपैथी के निकट जाने का संयोग मिला। और एलोपैथी के संसर्ग में उसके आकार ठाट बाट से मैं इतना प्रभावित था कि उसके दोषों को देखना तो दूर, मैं उसकी बुराइयां भी सुनना नहीं पसंद करता था। यानी एलोपैथी के बारे में लिखा कि मैं एलोपैथी से इतना प्रभावित था कि मैं एलोपैथी के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रचलन में मैंने अनेक कंपनियों की दवा बेचने का कार्य किया और उसके प्रशिक्षण में इस कदर मिल गया कि उसके ज्ञान सागर में मैं चलता चला गया। और अपने कर्तव्य पालन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अस्पतालों में, डॉक्टर और दवाखानों और दुकानों में मैं गुजारा करता था। वर्षों उनकी संगत में रहते हुए मैंने एलोपैथी के 2 चित्र देखे। अब रमाशंकर जी आगे लिख रहे हैं कि वर्षों एलोपैथी के संपर्क में रहते हुए मैंने 2 चित्र देखे। एक चित्र वह था जो विज्ञान अनुसंधान और प्रगति की प्रतिमूर्ति थी, और दूसरे चित्र में उसका विराट स्वरूप था, जिसमें रोगों, दवाओं की हानियों, रोग निदान साधनों, उपकरणों, विशेषज्ञों, चिड़फाड़ की आवश्यकताओं, चिकित्सा के खर्चों में बराबर होती जा रही वृद्धि थी। जितनी नज़र में मेरी एलोपैथी के दूसरे चित्र की ओर जाता है, उतनी एलोपैथी के अन्य परिणामों को सोच सोच कर मैं चिंतित होने लगा। आखिर वह दिन भी आया जब मेरे ऊपर चढ़ा हुआ एलोपैथी का सम्मोहन टूट गया। निराश तो मैं बहुत हुआ, पर एलोपैथी के विकल्प को खोजने की प्रेरणा भी मुझे कम नहीं मिली। एलोपैथी को छोड़कर दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में खोज करने पर मैं उनको बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में पाता था, परंतु एलोपैथी के समान सरकार द्वारा अपनाई गई चिकित्सा पद्धतियां भी लक्षणों के रोग और अन्य चिकित्सा का आधार ही मानती थी। विकास के लिए एलोपैथी पर चिन्हों पर चल रही थी। यानी अन्य चिकित्सा पद्धतियां अपना इलाज तरीका तो अलग की थी, लेकिन एलोपैथी के पद चिन्हों पर चल रही थी। डॉक्टर रमाशंकर जी को लगा कि ये चिकित्सा पद्धतियां भी एलोपैथी के सहारे ही चल रही हैं। आगामी कार्यक्रम पर विचार कर ही रहा था कि एक रविवार एक अपरिचित व्यक्ति मुझसे मिलने आए। वह अपरिचित व्यक्ति इलेक्ट्रोहोमोपैथी के चिकित्सक थे, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के विकास के लिए एक संस्था चलाते थे और उस संस्था में मुझे वे सम्मिलित करना चाहते थे। कुछ दिन पहले होमोपैथी पर मैं विचार कर चुका था, लेकिन मैं एलोपैथी को उसके विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यानी उन्होंने कहा कि होमोपैथी के प्रति भी मेरा आकर्षण हुआ, लेकिन मैंने इसको स्वीकार नहीं किया। अगले रविवार आगंतुक जी फिर मिलने आए और मुझे उनको देखकर कुछ नफरत भी हुई, हालांकि कुछ बात भी मैंने किया और एक पड़ोसी के यहाँ जाने का बहाना बना के मैं उनसे पीछा छुड़ा के चला गया। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक दवा थी और वो जिस घर में प्रवेश किए उस घर में एक डिहाइड्रेशन की पीड़ित रोगी थी, और वो अंदर गए और उस रोगी को उन्होंने दवा दिया। रोगी कुछ देर बाद उठ करके बैठ गई, जिसकी बात बाहर आई कि पता नहीं क्या इन्होंने जादू की दवा दिया, और मैं भी उस रोगी को देखने गया। बस वहीं से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मेरी रुचि जागृत हो गई। जिस घटना ने मुझे इलेक्ट्रोहोमोपैथी का पहला परिचय दिया, जिस घटना ने मुझे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में जानने की अमित प्रेरणा मिली, वह घटना 1968 की पटना की थी। कहने की जरूरत नहीं है कि उपयुक्त दोनों घटनाएं इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जुड़ी थी, और वो सज्जन जाते जाते मुझे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में कुछ बताने से पहले अपनी 2 पुस्तकें पकड़ा के चले गए, और मैंने उन पुस्तकों को बार बार पढ़ा। उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो उसका सारांश था वो मुझे इन खंडों में नजर आया। पहला, लिम्फ या ब्लड या दोनों में होने वाला रोग ही दोष है और वही रोग है। यानी ब्लड और लिम्फ में होने वाली कोई भी परिवर्तन ही रोग का कारण है।
दूसरा रमाशंकर जी ने कहा, चिकित्सा अंगों की होती है इसलिए दवाएं अंगों पर आधारित होनी चाहिए, लक्षणों पर आधारित नहीं। और इसीलिए 38 दवाओं को रमाशंकर जी ने, हमने, सब लोगों ने मिल करके इसको 38 अंगों की उपाधि दे दी। तीसरा उन्होंने लिखा कि मूल दवाओं की संख्या कुल 38 है और एकमात्र पौधों से तैयार होती जिनकी संख्या 115 है। 115 पौधे केवल डॉक्टर रमाशंकर और डॉक्टर श्रीवास्तव या डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी मानते हैं, बाकी सब लोग 114 पौधों की बात करते हैं। दवाएं स्वाद, रंग, गंध और हानि रहित हैं। शुरू से लेकर आज तक 100 वर्षों की अवधि में संपूर्ण रोगों की चिकित्सा करने में ये दवाएं सक्षम है और पर्याप्त हैं। यानी किसी भी रोग की दवा हमारे अंगवार या सिस्टमवार होने के कारण ये सक्षम है किसी भी रोग को दूर करने के लिए। अगला उन्होंने जाना कि रोग लक्षण रोग नहीं है, चाहे वह रोगी के द्वारा अनुभव किया गया हो या चाहे वह चिकित्सक या रोगी के सहयोगी के द्वारा लक्ष्य किया गया हो। रोग एक है, अनेक नहीं है, ये रमाशंकर जी का मानना था। और अंतिम बात उन्होंने जो जानी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कि एक जीव की दवा दूसरे जीव से ही प्राप्त किया जाता है, दवाओं की परिमित, स्थायी और हानि रहित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संघर्ष काल में अपने अन्वेषण के तरफ जब उन्होंने अपना ध्यान दिया तो उन्होंने लिखा कि अन्वेषण के लक्ष्य में निसंदेह यह पता करना जरूरी था कि नंबर एक, इलेक्ट्रोहोमोपैथी की अवधारणाएं विज्ञान सम्मत हैं अथवा नहीं। अगर विज्ञान सम्मत नहीं है तो क्या समुचित संशोधन, उचित व्याख्या और उन्हें विज्ञान सम्मत बनाया जा सकता है अथवा नहीं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की अवधारणा का परिचालन स्वतंत्र वैज्ञानिक ढंग से हो सकता है अथवा नहीं। और बस इसी पर उनका अन्वेषण आरंभ हुआ। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई पटना में, उस टीम के सदस्यों ने कार्य करना आरंभ किया, लेकिन विसंगतियों के चलते डॉक्टर रमाशंकर जी ने फिर पटना को छोड़ दिया। कुछ दिन वो नैमिषारण्य सीतापुर के आश्रम में रहे, वहाँ उन्होंने अपनी योग साधना, कुछ पूजा पाठ की कार्यक्रम आरंभ किए, मन में उनका कुछ विरक्तिकरण हुआ। बाद में फिर उनके बड़े पुत्र डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो IIT कानपुर में तत्कालीन प्रोफेसर थे, उन्होंने जाकर के उनको वापस कानपुर में प्रतिस्थापित किया और वहाँ उन्होंने अपनी फिर चिकित्सा कार्य को आरंभ किया और उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। ये बातें थी हमारे और डॉक्टर रमाशंकर जी के और डॉक्टर वी कुमार जी के आपसी त्रिकोणमिति, एक त्रिकोण बनने की कहानी में। बस आज के लिए इतना ही। चलते चलाते मेरा फोन कॉल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9793252355। डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।